लेडीज ज्यादा है यार। जय मसीह की, बराबर है। जय मसीह की, जय मसीह की। अभी जेंट्स ज्यादा है। कितने लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने हाथ को दर्शाए। हाँ, मैंने पैदा भी हाथ उठाया। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की धन्यवाद। आज इस सुंदर शाम के सभा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। घर में घूमते जा रहा है, इसका कारण है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें जो डस्ट है वैसे तो बिल्कुल बहुत डस्ट है, उसमें भी थ्रोट में जाएगा तो खांसी उत्पन्न करेगा, इसलिए खांसना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं एकदम सांस अंदर तरफ रहते हैं, जो जिसमें जो डस्ट है बिल्कुल थ्रोट में जाकर थ्रस्ट हो जाता है, तो वहाँ से शुरू होता है शैतान का कार्य। इसलिए हम अपने आप को शैतान के कार्य को हमारे जीवन में निमंत्रण ना दें। कभी कभी इसको पानी में डुबाना भी अच्छा है। पिछले साल मैंने एक बार बोला था उसमें पानी में डुबाने के लिए, साल में आपसे एक बार नहीं, नहीं मैंने ऐसे बोला, साल में एक बार कम से कम हफ्ते में एक बार करना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर आराधना के लिए जिसमें हमने प्रभु की आराधना स्तुति महिमा किया है। और कल मैंने एक और सजेशन दिया है, हमारा जो ये वॉल क्लॉक है उसका बैकग्राउंड, इधर बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, नहीं तो उसका जो अंक जो लिखा है उस सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल है वहाँ पर देखना सही तरीके से। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद और मैं करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर मंडली के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक सवाल आपसे पूछा और आप लोगों ने प्रत्युत्तर दिया कि यस, हम विश्वास करते हैं। सबसे पहले उस विश्वास के परिणाम को मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसका प्रस्तुति ऐसा है कि मैंने पास्टर राज गुप्ता को उस सुबह यहाँ पर निमंत्रित किया प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन से मनादी करने के लिए। उसके कुछ पल पहले मैंने बोला, हम गैर में जा रहा था, दो बड़ी समस्या है जो इवन सरकार भी रोक नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, बोलेंगे करेंगे लेकिन आक्रमण होने के बाद ही पता चलता है उसके यहाँ आक्रमण कर चुके हैं। इवन अमेरिका वाज फेलियर इन दैट आधे के बाद, और मैंने बोल दिया, बोला न्यूज़ में आ गया था, हो गया। और उसके बाद बोला एक बहुत बड़ा एक समस्या है, नॉट नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी हो हमारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं नेचुरल कैलामिटी में, अपन इतना कर सकते हैं प्रेडिक्शन कर सकते हैं, नहीं तो उसका परिणाम देख सकते हैं, नहीं तो उसमें बह जाते हैं, नहीं तो कुछ हो, लेकिन परमेश्वर प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन पर्सन निकिता जब तक बोल दिया हम विश्वास करें उसको, क्या हो जाएगा? फेक न्यूज़। क्या हो जाएगा? फेक न्यूज़। फेक हो जाएगा। उस वो प्रचंड जो वायु जो तूफान जो वो हो गया था बंगाल में, उसका जो गिनती साउथ इंडिया के तरफ में था, लेकिन आज दोपहर के बाद में जैसे प्रचार परमेश्वर वचन का मनन करना था, मैं तुरंत न्यूज़ को खोला
सबसे पहला जो न्यूज आया इसका गति बदल गया। हालेलुया, दिशा दिशा बदल गई। ये विश्वासी का कलीसिया है या कुछ मजाक ऐसा कुछ क्या है? हालेलुया हालेलुया, अभी विश्वास की हालेलुया आ गया। हमारा जवान जो विश्वास के रणभूमि में है, दूसरों को विश्वास के बारे में बताने के लिए जाने वाले हैं, उन लोगों के पास विश्वास नहीं है। क्या बात है, परमेश्वर उन प्रचंड वायु का गति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर दास आप लोग जब आप बाहर जाएंगे और वचन की सेवकाई करेंगे, विश्वास की घोषणाएं करेंगे, वो वैसे ही होगा। आइए हम कुछ समय के मन के लिए अपने ध्यान को प्रेरितों के काम में हम लगाएंगे। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। और परमेश्वर का कार्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रेरित के काम मैं मानता हूं परमेश्वर का काम है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि कोई भी प्रेरित प्रेरितों के काम में ये नहीं बताया ये मेरा काम है। कोई भी प्रेरित, फॉर एग्जांपल पत्रस, यूहन्ना और अन्य चेले जब वे कुछ किए, कभी भी गलती से उनके मुंह से नहीं आया कि कौन कर रहा है। तो मैं मानता हूं ये परमेश्वर का काम है जो हम प्रेरितों के नाम का पुस्तक जो टाइटल है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए प्रबंधन करने वाला परमेश्वर। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन नया नियम का नहीं है, इसमें भी है लेकिन वो पहले से पुराना नियम में देरी ले चुके हैं। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सिंग मेनी सॉन्ग, यहोवा जायरा, यहोवा यिर, यहोवा सिद्किन, यहोवा शमा, यहोवा राफा, यहोवा राहा, यहोवा निसी। ये सब परमेश्वर का प्रकाशन हमारे लिए जो दिया है पुराने नियम में। और मैं आपको प्रेरितों के काम में ऐसी जगह में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ आप परमेश्वर को उस महान कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रभु के उस महान कार्य को महसूस कर सकते हैं। मेरे पास चार बिंदु हैं, उन चार बिंदुओं को आपके सम्मुख में इस लिमिटेड टाइम में आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बात है, जब हमारे लिए परमेश्वर कार्य करता है, सबसे पहले हमारे लिए एक प्रसिद्ध कार्य को हमारे जीवन में करते हैं। यदि मेरा हिंदी गलत नहीं है तो मैं उसका इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ए नोटेबल इवेंट इन आवर लाइफ। गॉड विल ब्रिंग ए नोटेबल इवेंट इन आवर लाइफ सो दैट वी मे एबल टू गो फॉरवर्ड एंड डू many things as God's will। एक महान कार्य
एक श्रेष्ठ कार्य, सर्वश्रेष्ठ कार्य, एक प्रसिद्ध कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप अनुभव किया है, आप आराम से इस पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रेतों के काम उसका दूसरा अध्याय एक आयत से लेकर उसके लास्ट आयत तक हम सब जानते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन में जब वे सब इकट्ठे हुए थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो इजी रहेगा। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या ही सुंदर बात है, प्रभु यीशु मसीह संसार से अलग होकर, उनके चेलों से अलग होकर स्वर्ग की ओर जाने से पहले जब चेलों का मन व्याकुल में थे उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं मेरे पिता के पास जाता हूं और मैं वहां पहुंचूंगा और मेरे पिता से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे संग रहे, सारे सत्य से सत्य में तुम्हें आगे बढ़ाए। और हम सब जानते हैं पासओवर के जो पैसहा के जो उस त्योहार को उत्सव के 50 दिन बाद जो पेंतेकोस्त कहलाता है, पुराना नियम में फीस्ट ऑफ वीक्स कहता है, उसी दिन में पवित्र आत्मा उतरा। उस ज़ायन घर में, उस ऊपरी घर में, कोठरी में जहां 120 लोग इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के उस दान के लिए इच्छुक थे, अपेक्षा कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हम सब जानते हैं जब हम हमारे कलीसिया विशेष तौर से पेंतेकोस्त कलीसिया मानते हैं, मैं ये भी विश्वास करता हूं, ये भी मानता हूं, यदि एक पेंतेकोस्त की कलीसिया है तो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे भाई लोग विश्वास करते हैं तो आवाज बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एम्प्लीफाई करना पड़ेगा। हालेलुया। इसका एक कारण है क्योंकि जब पवित्र आत्मा आ गया किसी को अलग एक कोने में धक्का करते हुए नहीं रखा। उस परिच्छेद में हम पढ़ते हैं कि सब ये इकट्ठा होकर बैठे थे और इकट्ठे हुए थे। नंबर टू, सारा घर जहां वे लोग बैठे थे सारा घर, और नेक्स्ट फ्रेज ऐसा है कि उनमें से हर एक पर, नहीं तुमको मैं नहीं देता हूं, नहीं तू अच्छा नहीं दिखता है, नहीं ये पीटर पतरस तू थोड़ा सा क्रोध एकदम दौड़ने वाला है, कूदने वाला है, तुमको थोड़ी देर के बाद नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। सबके सबके ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। नहीं बोलना बच्चे वो तर्क अच्छा नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हैं। वचन क्या है, सब पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा से भर गए। और नेक्स्ट जो फ्रेज है थोड़ा सा गौर करने का बात है, वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। क्या है, जिस प्रकार
आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जब परमेश्वर वरदान को और विशेष एक वरदान को नहीं तो एक कम्युनिकेशन जो बोलने का जो बात है जो दिए थे ये एक अलगता देने में पवित्र आत्मा स्वयं किया है। That we can see in first Corinthians also. पहले कोरिन्थियों में भी हम देख सकते हैं 12 अध्याय में वहां पे आत्मा के अनुसार as the spirit wills he gave them the gifts to some the gift of interpretation to some the gift of prophecy to some the gift of speaking in tongues then to some the gift of faith and so on discerning in the spirits and so on miracles but सोचने की बात यह है सबके ऊपर है सबको बात करने का बोलने का सामर्थ्य दिया है कोई उस झुंड से अलग नहीं हुआ कि सामर्थ्य पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और यदि आप पवित्र आत्मा के उस प्रकटीकरण एवं पवित्र आत्मा को कार्य को आज भी है करके विश्वास करते हैं तो कोई भी उससे वंचित नहीं है सब उसमें सम्मिलित होना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य हम उस पेंतेकोस्त के दिन में देखा और क्या बात और वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और सातवीं आयत में कहता है वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलील है तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। वहां पे कम से कम वह कहता है कि आकाश के नीचे जहां कई यहूदी लोग रहते थे वहां से सारे देशों से आकर ये यरूशलेम में आकर इस त्योहार को इस उत्सव को मना रहे हैं। ऑलमोस्ट 16 नेशनैलिटी ज्यूज फ्रॉम 16 नेशंस में थे इसमें कहता है लेकिन समस्या है उसका 11वीं आयत में लिखा है अर्थात यहूदी करने वाले क्रेती परंतु अपने उनसे पर हरेक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाए हैं जो हरेक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कामों का चर्चा करना है परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनना है लोग जब परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं क्या होता है वर्ष कठुआ और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परमेश्वर के प्रिय जनों जब हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कार्य को हम करते हैं बताते हैं लोग चकित होना चाहिए लोग घबराना चाहिए जैसे सुने हमने बोला हमने सुना कि वचन के सुनने में हमें एक पश्चाताप का एक मन होना चाहिए क्योंकि हम सिद्ध नहीं है हम सिद्धता की ओर बढ़ रहा है हमें एक पश्चाताप क्योंकि The apostles never told that we are perfect completely, but we are going on to perfection. इसलिए प्रेम पौलुस रोमी के पत्र उसका बाद उसका पहला आयत दूसरा आयत में कहता है कि तुम्हारा मन का नवीनीकरण हर समय होना चाहिए कि नवीनीकरण it is an ongoing thought process till we reach the complete perfection. तब तक हमें आगे बढ़ना है लोग चकित होना चाहिए लोग घबराना चाहिए जब हम उस परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को हम बोलते हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया
ताकि हम परमेश्वर के उन महान बड़े बड़े कार्यों को सामर्थ्य बात को हम दूसरों को बताना है, उसके कारण लोग चकित होना है, उसके कारण लोगों को दिल घायल होना चाहिए, वे प्रभु के पास आना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वे सब चकित हो गए, वे सब चकित हो गए। लेकिन उसके साथ साथ एक और समस्या है, जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है, जब अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, उस समय कुछ एक और जुट रहता है। कौन है वो? वो पेंतेकोस्ती कलीसिया में भी है, बाकी सब कलीसिया में भी, जो ठट्ठा करने वाले हैं। ये क्या बोलते हैं? ये तो गलीली है। जब आराधना करते हैं, जब अन्य अन्य भाषा में लोग बोलते हैं, बात करते हैं, पेंतेकोस्त के कलीसिया के अंदर लोग देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाते हैं कि हमें ये आत्मा दी है ताकि हम प्रभु के कार्य को करें, प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, प्रभु के कार्यों को दूसरे के सामने हम प्रस्तुत करें। एक प्रसिद्ध कार्य, a notable thing God has done in our lives, that is, God has given us His Spirit, that we may be able to go and proclaim the gospel, that we may be able to preach the gospel, that we may be able to go to the uttermost parts of this world and be a witness of what we have seen or what we have experienced in our life. परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में क्या है, आपके जीवन में क्या है, आपने क्या अनुभव किया है? पवित्र आत्मा के कार्य आपके जीवन में अनुभव किया है? यदि नहीं है तो आप केवल एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं। जस्ट यू आर इनसाइड अ बिल्डिंग, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इफ यू आर गिवन दैट एक्सपीरियंस, इफ यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, द नेक्स्ट thing is that you have to declare the wonderful things that God has done in your life. एक बार डीएन मूनी एक एक बड़ा एक मीटिंग में एक ग्लास उठा के सबको दर्शा के बताया, इसके अंदर वायु है, एयर है, आप कैसे इसको निकाल सकते? एक जगह खड़े होकर एकदम बोल दिया, जो कि मशीन रहता है जो वैक्यूम करने के लिए, उसको बिल्कुल उसके ये वायु निकालने के लिए उसको इस्तेमाल करना है, सक द एयर आउट, सक द एयर आउट। पर डील मूडी ने कहा, उसने क्या किया उस ग्लास के अंदर, उसने बोला यदि ऐसे करेगा तो ये टंबलर जो है, ग्लास टंबलर जो है, ये उस प्रोसेस में टूट सकता है। लेकिन कि उन्होंने एक दूसरे बर्तन से उस ग्लास के अंदर पानी भरा और दर्शा के बताया, इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इफ यू आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सकिंग द सिन हियर एंड देयर। कलीसिया को पवित्र आत्मा का अनुभव होना जरूरी है, विश्वासियों को पवित्र आत्मा का अनुभव होना जरूरी है। जो कलीसिया के अंदर आते हैं, कलीसिया पवित्र आत्मा का कार्य होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। दिस इज अ थिंग दैट गॉड हैज गिवन टू अस, दिस इज अ नॉटेबल इवेंट। नंबर टू, एक प्रसिद्ध चिन्ह, जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए निकलेंगे, परमेश्वर के वचनों को लेकर निकलते हैं भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न गांवों में, आपके ड्यूटी की जगह में, जब आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे, प्रभु आपके
उस विश्वास के साथ चिन्ह और चमत्कार का कार्य करेगा। He shall bring the not to be given in your life. प्रेरित के काम दूसरा अध्याय में हमने भौतात्मक का कार्य को देखा। That becomes a great and firm point in your life to move forward. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा एक अध्याय उसके आठवीं आयत में कि जब तुम भौतात्मक पाओगे तो यरूशलेम यहूदी सारे यहूदिया समरिया और पृथ्वी के छोर पर मेरा गवाह होगे। When you, when the Spirit comes down, you shall receive the Spirit, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. जब हम विश्वास के साथ निकलते हैं, हमारे साथ चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे आएंगे, follow करेंगे। The signs shall follow when you believe. उसका चौथा अध्याय chapter 4 verse 16 मैं पढ़ता हूं, आप देखें अपने बारे में देखें। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। हम सब जानते हैं अध्याय 3 में जब प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर चले गए और वहां जाके जैसे जाते वक्त एक जन्माष्टमी लंगड़ा जो व्यक्ति जिसको बिठाया करते थे वो उनसे भीख मांगा और पतरस और यूहन्ना उनको देखकर कहा हमारे पास सोना और चांदी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो नासरती जो है उनके नाम से खड़े हो जाए। और क्या हो गया, वो लंगड़ा खड़ा हो गया और परमेश्वर की स्तुति की। लेकिन सोचने के कुछ बात है, यहां जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, पवित्र आत्मा पाए गए हैं, हम विद्युगोष्ठी कहलाते हैं, हम हमारे पास भिन्न भिन्न वरदान हैं, लेकिन जो when we compare with both of these group, Peter, John, and the lame person, the lame, कुछ बात बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकलते हैं। सबसे पहले प्रेरित लोग पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे थे, वे जा रहे थे कहाँ, मंदिर की ओर जा रहे थे। लेकिन ये जो लेम जो व्यक्ति है ये लंगड़ा तो क्या क्या हो गया था, उसको बोली हमारे जवान लोग बोली उनको ला रहे, ये जा रहे थे उनको ला रहे कहां, मंदिर, दोनों मंदिर की तरफ आ रहे। लेकिन ये लोग जा रहे थे वो लोग उनको लंगड़े को ला रहे। प्रेरित प्रार्थना के समय में जा रहे थे लेकिन लंगड़े को प्रेरित ला रहे थे और मंदिर के द्वार पर बिठा रहे थे। प्रेरित अंदर जा रहे थे उनको मंदिर के द्वार पर बिठा रहे थे। प्रेरित प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे लेकिन उनको ला रहे थे भीख मांगने के लिए। वे प्रार्थना करने के लिए ये भीख मांगने के लिए देख रहा है। लेकिन ये कौन चीज है, मैंने स्वयं एक ये बात को देखा, आपने भी देख चुके हो। मंदिर मस्जिद और टेम्पल जो है उनके सामने अधिकतर समय
लोग प्रार्थना खत्म होने समय इकट्ठा होते हैं जो भीख मांगने वाले, और उनका अपेक्षा यह है कि कुछ परमेश्वर को देने के बाद कुछ लोग उसके अंदर से जो धर्म के जो प्रभाषण सुनने के बाद दूसरों को मदद करने का कुछ बातें मन में निकलता है। इसलिए उस प्रभाषण सुनने के बाद जब वापस बाहर आएंगे मंदिर के या कलीसिया के जो चर्च के वो कुछ देंगे, क्योंकि क्या पश्चाताप थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन इनके जीवन में आज वो दिन था जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल प्रार्थना होने से पूर्व वो उनसे भीख मांगते थे। ऐसा एक दिन आ गया उनके जीवन में कि ये लोग जो जा रहे थे अंदर इनसे भीख मांगते थे। भीख मांगने से क्या मिला उनको? उनको कुछ मिला? उनको चांदी या सोना कुछ नहीं मिला, लेकिन असली चीज जो है उनको मिला जो उनको रियली चाहिए था। आज कल भी कलीसिया के अंदर लंगड़े बैठे हुए उनको बिठाते हैं, उनका स्वयं इच्छा से कलीसिया में नहीं आते। मैं दूसरे रीति से बोलना चाहता हूं, यदि कोई भी कलीसिया के अंदर जो जो बिल्डिंग जो रहता है उनके लिए बिल्डिंग है, कलीसिया के अंदर दूसरों के कंपल्शन से यदि कोई आते हैं वो लंगड़ा है, जबरदस्त वो लंगड़ा है, असली चीज उनको नहीं मिला। जब सब आराधना करते हैं इधर उधर देख के फान गिनते हैं लाइट गिनते हैं और कुछ करते हैं तो ये लंगड़े हैं कलीसिया के अंदर, वो क्वार पर है, बुरा उनका मन अंदर नहीं है, बाहर है, दरवाजे के बाहर है। कुछ विश्वासी ऐसे भी मटन या कुछ विशेष सब्जियां कुछ घर पर रख के आते हैं और उनका मन उधर है, कहां पे है? उनके फ्रिज के अंदर। कुछ लोग उसमें मशीन में रख के आते हैं, वो लंगड़ा है। इसलिए गाने गाने के समय, आराधना करने के समय, प्रचार सुनाने सुनने के समय वो जब ध्यान नहीं देते वो लंगड़ा है, वो बाहर है, उनका मन फ्रिज के अंदर है, उनका मन होटल में है, उनका मन उस पार्टी के ओर है, वो केवल किसी के कंपल्शन में आया है कलीसिया के अंदर। ऐसे वो लंगड़ा है, कितना बार बोलना पड़ता है ताली बजाओ, वो लंगड़ा है जो ताली नहीं बजाता, जो आराधना करते हैं वो लंगड़ा है। रीजन है इसमें क्या है? जैसे उनको छाती सोना नहीं मिला, पत्रस को ने कहा यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा, वो फूंकने लगा, खड़े हो गए, वो परमेश्वर के आराधना और महिमा करने लगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर के मंदिर के अंदर कोई आराधना नहीं करते हैं, कूदते नहीं है, असल में मेरे कहने के मतलब नहीं आप ऐसे कूदो, लेकिन परमेश्वर के भवन के अंदर यदि आप मगन नहीं हो रहा, आप लग रहे हैं। सात से ग्यारह तक तुरंत पावों में थकनों में भर आ गए, उछल कर खड़े हो गए, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर के स्तुति करता रहा। हालेलुया। डेली लेकर आते हैं किसी के कंबल तो किसी के बोलने से आते हैं, उनका मन उधर नहीं है, वो लंगड़ा है। क्या बहुत बड़ा आशीष मिला, बहुत बड़ा प्रेरणा मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन
11 जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए हुए था, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चांस मिलते हैं कलीसिया के अंदर, फिर पतरस और यूहन्ना को छोड़ देते हैं। वो कौन होगा? हमारे पास एक कुछ है, हम अपने आप खड़े हो सकते हैं, अपने आप बोल सकते हैं, सारे कुछ है हमारे पास, आपका जरूरत नहीं है। वापस अपने नगरापन में चले जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, प्रेरितों के हाथों में थामे रहना है, अगुओं के हाथों में थाले रहना है। ये बाइबल सिखाता है, चाहे उम्र में छोटे हो, क्योंकि तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय एक वचन पढ़िएगा, निकल सकता अध्याय आप जोर से बोलिए, तीतुस के पत्री दूसरा अध्याय एक और दो अध्याय दो आए थे, किंतु तुम सदा ऐसी बातें बोला करो जो तीतुस दूसरा अध्याय हाँ एक एक और दो आए, किंतु तुम सदा ऐसी बातें बोला करो जो सद शिक्षा के अनुकूल हो, वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दो, वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दो कि वे शालीन, वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दो कि वे शालीन और अपने पर नियंत्रण रखने वाले बने। तीतुस से तीतुस को पौलुस कहता है कि वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दो, उनसे ऊपर थे, उनको शिक्षा देना है, शिक्षा देने के लिए टीचर होना चाहिए। मतलब विश्वासी कितना भी उम्र वाला हो, अगुआ के नीचे रहना है, चाहे उसको उम्र कम हो। नेक्स्ट, वे गंभीर, विवेकी, प्रेम और विश्वास में दृढ़ और धैर्य पूर्वक सहनशील हो। इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं को सिखाओ कि वे पवित्र जनों के योग्य उत्तम व्यवहार वाली बने, ताकि युवतियों को अपने अपने बच्चों और पतियों से प्रेम करने के, अपने अपने बच्चों और पतियों से प्रेम करने की सीख दे सके। हाँ, इवन जो रिसेंटली मैरिड यंग जो विमेन जो है, जो लेडीज है, उनको सिखाना है कैसे उनका पति को प्रेम करना, वो सिखाना है। ये सब बातें पौलुस ने तीतुस को बताया, लेकिन यहां पे क्या देख सकते हैं, ये लंकावती फिरौन के जीवन में महान चमत्कार के कार्य में वो ने प्रेतों के हाथों में था, हाथों के साथ उनके साथ रहा। जब वे देखे लोग आश्चर्यचकित हुए, वे भी परमेश्वर के महिमा करने लगे। मेरा समय और मौसम, उसके बाद हम देख सकते हैं जब प्रभु के कार्य हमारे जीवन में होते हैं, हम क्या देख सकते हैं, हमारे जीवन के, हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे साथ साथ चिन्ह और चमत्कार होगा। तीसरी पॉइंट यह है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक नॉटेबल पर्सन, 5 अध्याय 33 से लेकर 40 आयत, 33 से लेकर 40 आयत, 5 अध्याय 33-40, वहां पे एक गमालिएल नामक एक व्यक्ति को प्रेरितों के लिए खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा एक व्यक्ति, फरीसी तो है, लेकिन उसने बोला हम इन लोगों के साथ खेल नहीं कर सकते। परमेश्वर के आगे जो अनॉइंटेड लोग हैं उनके साथ खेलवाड़ नहीं करना। कितने कलीसिया ऐसा है, हमारे कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन कितने कलीसिया ऐसा है
पिछले बार में कहना क्या था, एक कलीसिया में कह दिया विश्वासी इसे पास्टर के विरुद्ध में चिल्ला रहे थे, परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है। हम सब कॉन्टेक्स्ट जान पाते हैं टाइम समय। उसने कहा यदि ये परमेश्वर का कार्य है बिल्कुल निश्चित आगे बढ़े, यदि मनुष्य का कार्य है जैसे तद्यूस जो है जैसे जो जूदास जो गलियल में इस पार्षद में आप देख सकते हैं वैसे सत्यनाश ने जो सत्यनाश हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर का सबसे लास्ट पॉइंट पांच अध्याय का 41 पांच अध्याय उसका 41 वो पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पांच अध्याय उसका 41 40 से लेकर मैं पढ़ूंगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। क्या किया? प्रेरितों को पिटवाया और ये उपदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। लेकिन 41 आए वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हालेलुया हालेलुया। अब वो क्यों हालेलुया वाला बताओ हमारे जवान लोग। 39 घोड़े मिलने के बाद आनंद होकर महासभा से सामने से निकल गया। हालेलुया क्योंकि 39 घोड़ा मिलने के बाद कोई हाल नहीं हमने बोले हमारे जो इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हैं तो अभी बोलना चाहिए था। 39 घोड़े मिलने के बाद ये लोग आनंद से चले गए। हालेलुया praise the Lord a notable character a notable attitude हमें सीखने को मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में परमेश्वर एक एक चीज जो लाता है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है, परमेश्वर के राज्य की विस्तृति के लिए है, परमेश्वर के नाम की उन्नति के लिए। आइए पास्टर निकल तो इसलिए अपने आप को समर्पित करें हमारे जीवन में ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने पाए। कोई भी ऐसा ना करे मैं मेरे शक्ति से मेरा बल से मेरे जो भी है उससे कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है ये प्रेरितों का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी पास्टर का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। यदि कोई मनुष्य का काम है तो ये निश्चित सत्यनाश हो जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। धन्यवाद धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचन जो हमारे बीच में पहुंचे उसके प्रति उसके सामने हम अपने आप को समर्पित करें कि होने पाए कि प्रभु के वचन से बताएंगे हर एक बात हमारे जिंदगी में वास्तविकता बन जाए। हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नतमस्तक करें कि प्रभु यदि मेरे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है तेरे बताए गए वचन के अनुसार वो परिवर्तन तो ले आए। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और जांचें कि क्या आज का वचन मेरे जीवन में किस दिशा की ओर हमें लेकर जा रहा है, किस क्षेत्र में इसकी जरूरत है। वो जो अनूठा कार्य वो जो अनूठा किरदार एक अनूठा चरित्र एक अनूठा कहना चाहिए कि जो परमेश्वर की सेवा एक समर्पण जो हम जब जीवन में देखते हैं अगर आज नहीं है तो प्रभु का वचन हमारे लिए परमेश्वर के दास के लिए आए हुए तमाम लोगों के लिए सुबह जो प्रार्थना में दीदी उन सभी बातों को स्मरण करते हुए आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर से एक बार तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तुमने फिर से एक बार आज की शाम हमें स्मरण दिलाया कि प्रभु कितनी ऐसी अनूठी बातें हैं जिसे हम तेरे वचन में पढ़ने के बाद भी अनदेखा करते थे। होने पाए कि तेरे दास जो इसके द्वारा जिन बातों को हमें स्मरण दिलाया गया कि जो वो अनूठा कार्य जो हमारे जीवन में करता है हम उसे सदैव स्मरण रखें और वो अनूठा कार्य जो हमारे जीवन में तू करता है प्रभु उसके उद्देश्य को हम जान पाए कि हमारे खुद की तारीफ हमारे खुद की प्रशंसा हमारे कामों के बारे में नहीं परंतु परमेश्वर के कामों को हम बता पाए। वो जो अनूठा कार्य जो तू हमारे जीवन में किया है उस अनूठे व्यक्तित्व के द्वारा हमारे जीवन में वास्तविकता हो जाए कि हम भी प्रभु केवल तेरे लिए कार्य करें केवल तेरे नाम को ऊंचा करें तेरे भवन में हम तेरी आराधना करें। हम उस लंगड़े व्यक्ति के समान नहीं जो कलीसिया में आने के बाद भी लंगड़ेपन की अवस्था में रहता है परंतु हम उछलने कूदने
और जीवित रूप से आराधना करने वाले बन जाए। अपने दास को बहुत ऐसी आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए पिता, हर एक प्रकार की उन्हें आवश्यकता जरूरतों को पूरा कर, हर एक प्रकार के रोग दुख तकलीफ बीमारी खांसी से तो उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर, उनके परिवार में तेरी पिता परमेश्वर बरकत और आशीष रहने पाए। जितनी प्रार्थना विनती पास्टर विल्सन द्वारा हमारे बीच में सुबह और शाम को रखी गई, फिर से एक बार उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक बीमारों को चंगा कर, हर एक रोगियों को पिता परमेश्वर को शिफा दे, और हर एक प्रकार के लोग जो यात्राओं में हैं और करने वाले हैं उन्हें तो सुखद और मंगलमय यात्रा दे प्रभु। आज की शाम को अपने घरों में जाते पिता, रात्रि को मीठी नींद दे, हर एक आए हुए विश्वासियों को बहुत ऐसे आशीष दे, जो नहीं आ पाए उन्हें भी आशीष दे, उन्हें ऐसा वर दे कि आने वाले समय में तेरे भवन में आकर तेरे नाम की आराधना करें। हमारे बाइबल वर्ल्ड के विद्यार्थी पास्टर के बच्चों सबको तेरे हाथों में सौंपते, बहुत ऐसे आशीष दे पिता। सारा आदर मान जनम तुझे सौंपते हुए धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं ऐसे सुन और ग्रहण करते हैं। सब मिलकर बोले आमीन। हम परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ बस यीशु के द्वारा आगमन तक होता रहे। फिर से बोले आमीन। सही है।